चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम नैन सर्ट इक्वेशन की। नैन सर्ट इक्वेशन को अगर समझना है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखे आए, या आप सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कमलिया क्लासेस, या लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिए। एक होता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, एक होता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का, वो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के लॉग ई बेस में क्यू, या इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन टी डेल्टा एच, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन। इसका एक फॉर्मूला और होता है माइनस का एन एफ ई से, ठीक है। एक इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस के एन एफ ई नॉट से। अपने को जो टर्म है वो आज यूज करना है वो है ई से, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में यूज करना है, तो अपन इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक साथ याद कराने के लिए लिख दिया गया तीनों टर्म्स, ठीक है। डेल्टा जी में अपने को चाहिए ई से, तो अपन को इसमें क्या करेंगे, तीनों टर्म को माइनस के एन एफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के एन एफ यहां से गायब हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा ई से, फिर यहां भी माइनस का एन एफ से डिवाइड करने पर क्या बचेगा ई नॉट से, फिर माइनस के एन एफ से डिवाइड किया तो माइनस प्लस माइनस, और कितना हो गया आर टी को मैं ई बेस है तो मैं टेन बेस में लिखने के लिए यहां लिख लेता हूं 2.030 आर टी लॉग टेन बेस में क्यू डिवाइड बाय एन एफ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जो एफ है इसका वैल्यू होता है 96500, टेम्परेचर को अपन लिख लेते हैं 298 केल्विन में, आर को लिख लेते हैं हम 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। तब जो अपने पास फॉर्मूला आता है ई सेल का, वो आता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग 10 बेस में क्यू, ठीक है। ये हो गया ई सेल का फॉर्मूला। आपको ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी टेम्परेचर है वो अलग कोई कंसीडर कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वरना आपकी कैलकुलेशन नीचे होगी आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। यहां जो क्यू है वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट, क्यू जो सॉलिड दे सकता है या आपको कोई लिक्विड है, ठीक है, उसके लिए आप क्यू की वैल्यू है वो वन यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई मान लीजिए एक्वस फॉर्म में, या तो एक्वस फॉर्म में लिखा हुआ है या कोई चार्ज स्पीसीज है तो आप उसको एक्वस फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, या कोई गैस फॉर्म में है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में है तो आप क्यू को वैल्यू आपको जो गिवन है वो लिख सकते हैं। एन होता है, एन क्या चीज है, एन होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, किसमें इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये जो नैन सर्ट इक्वेशन आपको टेम्परेचर का जो कंसंट्रेशन है इनका सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बात बताता है नैन सर्ट इक्वेशन। चलिए ये तो आपको थोड़ा सा थ्योरी बताया, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तब जाके ये रामायण आपको समझ आएगी। पूरा लेक्चर समझने के लिए आपको हमें क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप ढंग से देखिए। यहाँ तो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3, यहाँ कितना
हाइड्रोजन का भी जीरो, यहाँ क्या है प्लस वन। मैं क्या क्यों बता रहा हूँ ये आपको, क्योंकि मुझे निकालना है अभी एन, एक निकालना है मुझे क्यू। तो आपको पता है एन निकालने की आपको एन फैक्टर आना चाहिए। एन फैक्टर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज कितना है। इससे पहले आप एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपका रिएक्शन है मैंने वहां पे लिखा था एन क्या था, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये बैलेंस होना चाहिए। एल्यूमिनियम का नंबर दो है तो यहाँ भी दो, यहाँ छह हाइड्रोजन है यहाँ भी छह हाइड्रोजन। जो एन फैक्टर निकाला जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का आपको अंतर लेना है, यहाँ जीरो है यहाँ प्लस करिए तो अंतर आ गया थ्री। फिर आपको उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वहां उसका नंबर कितना है दो, तो ये हो गया सिक्स। आप यहां से एल्यूमिनियम से जरूरी है आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहां पे आप इसका डिफरेंस चेक कीजिए कितना है, तो यहां आपको डिफरेंस मिलेगा वो वन का, क्योंकि जीरो और एच प्लस है तो यहां क्या है प्लस वन है, प्लस वन और जीरो का डिफरेंस कितना का एक का, और यहां नंबर कितने हैं सिक्स, तो कितना आ गया सिक्स, यानी आपको एन पता चल गया। अब आपको निकालना है क्यू। मैंने आपको क्यू में बताया था वहां पे ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपके पास एक तो हाइड्रोजन गैस है एक एल्यूमिनियम प्लस थ्री में है, मैंने बताया था आपको चार्ज स्पीसीज है उसको आप कंसिडर करते हैं क्यू में, किसमें एक्वस फॉर्म में, किसमें एक्वस फॉर्म में, यानी ये भी जो चार्ज है इसको मैं किसमें कंसिडर करूंगा एक्वस फॉर्म में, जिसमें चार्ज नहीं है यानी कि जीरो है उसको आप सॉलिड में कंसीडर करेंगे। अब आपके पास में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का होता है प्रेशर, ठीक है हाइड्रोजन गैस होता है उसका कोई होता है प्रेशर, तो आप उसको P कंसीडर कर लीजिए कि इसका P प्रेशर है। फिर जो हाइड्रोजन गैस है उसको आप यहां लिख लीजिए H2 है, यहां जो नंबर है वो आपको कहां लगाना है इसके पावर में, ठीक है। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या बचा आपके प्रोडक्ट में आपको क्या बचा एक एल्यूमिनियम प्लस थ्री, एल्यूमिनियम प्लस थ्री आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये किसमें एक प्लस फोर में, यहां जो नंबर है वो आप पावर में लगा दो, ठीक है। बट रिएक्टेंट में आपके पास में एल्यूमिनियम सॉलिड है, सॉलिड में क्यू का वैल्यू मैंने आपको वन बताया था। फिर आपको देख लीजिए कि अच्छा एक की पावर अगर दो भी करो तो कितना आएगा एक आएगा, ठीक है। फिर आपके पास में H प्लस, H प्लस तो ये किसमें एक्वस में, इसका नंबर सिक्स, ठीक है। अब आपको क्यू भी निकालना गया, इन नोट से पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया है, जैसे जैसे लेक्चर आगे चलता जाएगा आपको पूरा समझ आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 0.0591 डिवाइड बाय एन कितना सिक्स, फिर यहाँ लिखो कि आप लोग टेन बेस में कितना क्यू कितना है आपके पास पी की पावर थ्री एच टू डॉट एल्यूमिनियम जो प्लस थ्री है उसका पावर है टू डिवाइड में आ गया एच प्लस का पावर सिक्स। आगे आपको समझ लीजिए ई नॉट सेल का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चलिए इस क्वेश्चन में निकालते हैं हम ई सेल, ठीक है। ई सेल के लिए आपको एक तो ई नोट सेल का वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक आपको एन चाहिए और एक आपको क्यू चाहिए। अब आपको पता है एन क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी आपको एक बैलेंस रिएक्शन भी चाहिए, और बैलेंस रिएक्शन के लिए आपको यह पता होना चाहिए कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो ई नोट सेल में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिसकी वैल्यू कम है उसको आप क्या कंसीडर करोगे एनोड, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको आप क्या करोगे कंसीडर करोगे कैथोड। जो एनोड होता है उस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए तो जीरो से प्लस टू में आएगा, प्लस टू में जब कब आ सकता है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है। फिर है ये वाला क्या है कैथोड, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो इसको क्या करें, यानी कि कॉपर है वो प्लस टू में है और इसको आना कहां चाहिए कॉपर में, ठीक है, कॉपर जीरो में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे
तो अब अपन को पता है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये बढ़ जाएगा जेड एन प्लस सी ओ प्लस टू जेड एन प्लस टू प्लस सी यू, यानी ये हो गया आपका रिएक्शन। अब ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट है कैथोड है माइनस ई नॉट है एनॉड है, और इसके वैल्यू है वो किसकी होनी चाहिए, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, यानी मैं ये वैल्यू यूज कर सकता हूँ। आपको मैंने बताया था अपोजिट साइन की वैल्यू हो तो उसको आप सीधा डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं 0.60 माइनस एनोड का कितना है माइनस का 0.30, यानी हो गया 0.90, ठीक है। अब आप एन कितना है, बैलेंस रिएक्शन है, तो ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही तरफ देखकर एन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, ठीक है, एन का वैल्यू आ रहा है 2। फिर आपको मैंने बताया था क्यू क्या चीज थी, क्यू थी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एक तो है ये क्या है चार्ज दे, तो मैं इसको एक क्वेश्चन से कर लूं, और ये इसमें कोई चार्ज नहीं है ये सॉलिड है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है ये सॉलिड है, और ये एक्वस में अपने को सॉलिड वाली की नंबर कुछ भी नहीं है, वन मान है क्यू, तो ठीक है यहां से क्या है जेड एन प्लस टू, और इसका नंबर भी कितना है आगे वन डिवाइड बाई रिएक्टेंट क्या है कॉपर प्लस टू, नंबर भी क्या है वन, बाकी ये सॉलिड है तो वन मानना है इनका। अब अपन ई सेल निकालते हैं, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना है 0.90, 0.90 माइनस 0.06 कर लेता हूं एक बार, ठीक है भाई 5, 9, 1 होता है 0., तो 5, 9 को ऑल अराउंड 0.6 मान लेता हूं एक बार, कैलकुलेशन है इजी हो जाए। एन का नंबर 2, फिर लॉग क्यू, क्यू कितना है जेड एन प्लस टू, ठीक है अच्छा जेड एन प्लस टू ये देगा तो इसकी पॉजिटिविटी कितनी है 0.01, यानी मैं 10 की पावर माइनस की 2 मान लू, यानी कि 10 की पावर माइनस 2, यहां से आप सी यू प्लस टू तो सी यू प्लस टू ये देगा, ठीक है सॉल्यूशन में यहाँ कितना है 10 की पावर माइनस की 3, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं माइनस की 3, ठीक है। अब 10 की पावर माइनस की 3 ऊपर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2 माइनस के कट जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा 10, और लॉग 10 का जो वैल्यू होता है 1, ध्यान रखना लॉग 10 की वैल्यू 1 होता है, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, यहाँ से आप इसको 2 से इसको काट सकते हैं तो आ जाएगा 0.03, 90.90 माइनस करना है 0.03 तो ये बचेगा 0.87, ये आपका आ गया ई सेल का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये वो आपको ईसीसी का जो प्रतिरूपण है वो इस तरह से है, इसमें इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको ई नोट का वैल्यू दिया गया है, इसका भी है, इसका भी है, और ई सेल पूछा गया है। पिछले लेक्चर में इसका प्रतिरूपण किस तरह से होता है मैंने बताया था आपको, कि आपको इस साइड में आपको क्या लिखना है लोन, ठीक है, यानी लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव, ये यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन हो जाएगा, एनोड है यहाँ कैथोड हो जाएगा, नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब आपको बताएगा। लेफ्ट में अगर ऑक्सीडेशन होगा सबसे पहले अपन ये पढ़ के रिक्वायरमेंट देखो, ई नोट सेल के लिए आपको चाहिए ई नोट का वैल्यू, ई नोट का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आप ई नोट का वैल्यू यहाँ से देखो, ई नोट का वैल्यू जो कम होता है उसको अपन एनोड देते हैं, ज्यादा होता है उसको कैथोड देते हैं। आपको पता है ई नोट का वैल्यू आता है ई नोट सेल वो आता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड कितने हैं 0.70 माइनस 0.20, यानी आप ये आ गया 0.50। जो ई नॉट सेल, अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, ई नॉट सेल हो गया अपने पास में 0.50, ये लो। अब अपने को चाहिए एक एन, एन क्या है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, उसके लिए बैलेंस रिएक्शन चाहिए, उसके लिए आपको एनोड और कैथोड का पता होना चाहिए। अब ये वाला एनोड है यहाँ से आपको पता चल रहा है
एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, यानी सीआर किस में जाएगा, सीआर प्लस थ्री में जाएगा, तो इसको तीन इलेक्ट्रॉन है लूज करना चाहिए। और जो यहाँ से Fe प्लस टू है इसमें क्या होगा रिडक्शन, यहाँ से क्या है रिडक्शन, राइट है तो क्या है राइट साइड है तो रिडक्शन, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू में से किस में आ रहा है प्लस सॉरी जीरो में, जब यहाँ से जीरो में आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा दो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग है तो सेम करना पड़ेगा, आप कैसे कर सकते हैं खुद देखिए। ठीक है, मतलब किसी से गुणा कर ले कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, लेकिन आप इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा 0.50। तो मैं इसको अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। चलिए इसको 2 से करेंगे तो 2 Cr और ये हो जाएगा Cr प्लस 3 भी 2 Cr प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 3 Fe प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 6 3 Fe। ठीक है, दोनों तरफ इसको इस इक्वेशन को इक्वेशन को दोनों को कर देते हैं अपन ऐड, ऐड करने पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी, वहां क्या बचेगा 2 Cr। ठीक है, प्लस 3 Fe प्लस 2। ठीक है, ओके, फिर इधर आया, इधर बचेगा अपने पास में 2 Cr प्लस 3 प्लस 3 Fe। ठीक है, अब अपन यहां से क्या क्या निकाल लेते हैं, एक तो निकाल लेते हैं n। ठीक है, n क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे क्रोमियम से निकालो चाहे यहां से निकालो, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहां प्लस 3, अंतर कितने का 3 का, नंबर कितने 2, तो कितना आ गया 6, चाहे आप यहां से निकाल लो, यहां कितना अंतर है 0 और प्लस 2 में अंतर है 2 का, नंबर कितना 3, यानी कितना आ गया 6, यानी क्या तो n का वैल्यू आ गया अपने पास 6। फिर अपने पास बचता है क्यू, क्यू क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में एक तो सीआर प्लस 3 ये तो एफ प्लस 0 में है, इसको सॉलिड कंसीडर करेंगे क्यू का वैल्यू 1, सीआर प्लस 3 बचा है अपने पास, सीआर प्लस 3 नंबर कितना 2। ठीक है, यहां देखिए ये क्या सॉलिड में ये बचा एफ प्लस 2, एफ प्लस 2 नंबर कितना 3, ये नंबर 3। ओके चलिए अब मिटा देता हूं मैं, आप देखना सही लिख लो, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ई सेल, ई सेल, ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल, ई नोट सेल का वैल्यू है 0.50, 0.50 माइनस 0.06 लेता हूं ऑल राउंडर डिवाइड बाय एन, एन कितना 6, फिर आया था लॉग एन बेस में क्यू, क्यू कितना है सीआर प्लस 3 की होल स्क्वायर, सीआर प्लस 3 की जो संख्या दी हुई है 0.1, 0.1 को मैं मान लेता हूं 10 की पावर माइनस की एक, और पावर में कितना है 2। ठीक है, पावर में कितना है 2, एन प्लस 3 की वैल्यू रखी है 10 की पावर माइनस के 2 यहां देखिए। ठीक है, और इसका पावर कितना 3। ठीक है, 1 इंटू 2 कितना हो गया 10 की पावर 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, 3 इंटू 2 हो गया 10 की पावर माइनस के 6, माइनस के 6 जब ऊपर जाएंगे तो जाएंगे प्लस के 6, माइनस के 2 माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस के 4, यानी कि 10 की पावर कितनी आ गई प्लस की 4, यानी कि लॉग 10 की पावर आ गई प्लस की 4, लॉग 10 की पावर में यहां जो वैल्यू होती है 10 की पावर 1 है तो वैल्यू हो जाएगी 1, 10 की पावर अगर माइनस के 2 है तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, अगर प्लस के 4 है तो वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4, तो ये जो वैल्यू आ गई अपने पास में ये आ गई 4। यहां से देखिए आप इसको काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 0.50 माइनस 0.01 और ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, तो ये हो गया 0.50 माइनस 0.04 यानी ये हो गया पॉइंट कितने 46, पॉइंट 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ठीक है
इसकी सांद्रता दे रखी है, इसकी सांद्रता दे रखी है, बोल रहा है अभिक्रिया गुणांक क्यू क्या होगा। तो आपको बताया था मैंने लोन एल ओ एन यानी कि लेफ्ट में क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट साइड ही है ऑक्सीडेशन, तभी होता है जब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है, यानी इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया लूज किए। फिर यहाँ देखिए एच जी, यहाँ क्या होगा यहाँ लेफ्ट है ये राइट है, राइट में वहां ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी प्लस से ये किसमें आएगा एच जी जीरो में, यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा फिर गेन करना पड़ेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन दो है यहाँ एक है, तो इसको आप दो से मल्टीप्लाई कर दो और इसको एक से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टू ए जी प्लस हो जाएगा, अब ये टू ए जी हो जाएगा, फिर आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा जेड एन प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा टू ए जी प्लस, ठीक है। आगे आएगा जेड एन प्लस टू प्लस टू ए जी, ठीक है। क्यू क्या होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये वाला जीरो है तो सॉलिड है, जो क्यू का वैल्यू वन होगा, यहाँ भी सॉलिड है तो क्यू का वैल्यू वन होगा। फिर यहाँ पूछा क्या जेड एन प्लस टू जिसका नंबर है वन है तो पावर में भी वन है, रिएक्टेंट में ए जी प्लस है तो उसका जो पावर है वो है टू, तो पावर में भी टू। जेड एन प्लस टू का जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो दिया गया है टेन की पावर माइनस का टू, पावर में भी वन है। एच जी प्लस का दिया गया टेन की पावर माइनस के थ्री है और जो पावर में है वो है टू, तो ये हो गया टेन की पावर माइनस के टू डिवाइड बाई तीन इंटू दो यानी कि छः, तो पावर में माइनस के छः जब ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएंगे प्लस के छः, माइनस दो कैंसिल हो जाएंगे तो आएंगे टेन की पावर फोर, ये आ गया आपका क्यू का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पूछा ई सेल, तो ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग 10 बेस में क्यू, यहां आप एन चेक करोगे ई नोट सेल का वैल्यू दिया है 0.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन कितना है ये रिएक्शन आप देख सकते हैं बैलेंस है, तो यहाँ क्या है जीरो है इधर आएंगे तो प्लस टू, अंतर कितना दो का तो नंबर भी दो, तो एन जो आ गया ये आ गया फोर, ठीक है। लॉग टेन बेस में क्यू, क्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ कौन है रिएक्टेंट, तो आप यहाँ देखोगे ये तो लिक्विड, लिक्विड का आपको पता है क्यू का मान होता है वन और ये एक वस में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि चार्ज है, ये भी चार्ज है एक वस में कंसिडर किया जाएगा, इसका पावर नहीं है चार्ज नहीं है तो ये सॉलिड में होगा और ये ऑक्सीजन है तो ये गैस है तो इसका प्रेशर कंसिडर होगा। यहाँ देखिए आपको जो Fe प्लस टू है यहाँ टू देखिए आप क्यू आएगा प्रोडक्ट कौन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एक तो लिक्विड लिक्विड का हो गया वन, ठीक है। इसका Fe प्लस टू है जिसका कोफिशिएंट नंबर है टू, तो यहाँ टू लगा देंगे, डिवाइड में ऑक्सीजन है तो इसका क्या होगा प्रेशर होगा, नंबर है वन तो यहाँ पावर में वन इंटू और क्या है एच प्लस है एच प्लस लगा दिया सांद्रता, पावर में कितना लगाना है फोर और वो क्या है सॉलिड है कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप इसको यहाँ वैल्यू इनपुट कीजिए Fe प्लस टू की सांद्रता है क्वेश्चन में गिवन है आपको टेन की पावर माइनस के टू और पावर में भी टू है तो ये लो पावर में भी टू, पी ओ टू ऑक्सीजन का प्रेशर है क्वेश्चन में गिवन है कि तीन एटम है और जो एच प्लस की जो सांद्रता है यहाँ देख लीजिए एच प्लस की सांद्रता, अच्छा एच प्लस की सांद्रता तो देखो आपको पीएच गिवन है टू, देखो एच प्लस होता है वो होता है टेन की पावर माइनस का टू, क्यों पीएच अगर दो है तो एच प्लस कितना होगा टेन की पावर माइनस का टू, या आप ऐसे याद रख लेना कि यहाँ जितना दे रखा है उसको आप टेन की पावर माइनस में लगा दीजिए वो आपका एच प्लस बन जाएगा, बाकी आपको आई नहीं मैं बताएंगे कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेन की पावर माइनस की टू और जो पावर है वो है फोर, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है,
एक रिएक्शन दिया हुआ है वो भी बैलेंस्ड है, रिएक्शन में H2SO4 को मिश्रित किया जाए तो सेल के विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी ये भी बता दें। तो आपको बताया कि जो ई सेल है, ई सेल वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग 10 बेस में क्यू, क्या है क्यू, क्यू यहां से आप कंसीडर कर सकते हैं, एक तो है जेड एन प्लस दो इसकी पावर आगे वन है तो वन ही रहेगा, एच टू क्या है गैस है तो पी ऑफ एच टू गैस है, ठीक है यानी इसका प्रेशर कंसीडर होगा, यहाँ क्या है एच प्लस है, एच प्लस है पावर में कितना लगाना पड़ेगा टू, ठीक है यहाँ क्या है जिंक है तो सॉलिड है तो एक आ जाएगा इसका। अब आपको क्या कह क्या रहा है एच टू एस ओ फोर मिश्रित किया जा रहा है, आपको बताए एच टू एस ओ फोर है ये क्या करेगा एच प्लस रिलीज करेगा यानी यहाँ से एच प्लस बढ़ाएगा। अब यहाँ देखिए नेगेटिव है तो आप इस टर्म को उल्टा कर सकते हैं यानी ये हो जाएगा ई नोट सेल बराबर आ जाएगा ई ई सेल बराबर आ जाएगा ई नोट सेल माइनस की जगह प्लस अगर उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा, उल्टा कर दोगे आप इसको इस टर्म को तो ये देखो प्लस हो जाएगा, कैसे यहाँ देखो ये जो हो गया 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, ठीक है लॉग के बाद ये आ जाएगा एच प्लस ऊपर चला जाएगा यानी कि एच प्लस की पावर में टू और नीचे आ जाएगा जेड एन प्लस टू और पी की पावर एच टू, ठीक है थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा नीचे लिख दिया हमने, चलो यहाँ लिख देते हैं लॉग टेन की पावर में है और ये होगा 0.0591 डिवाइड बाई एन, ठीक है प्लस ई नॉट से, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना ये जो एच प्लस और मिश्रित करोगे तो एच प्लस की सांद्रता बढ़ाएगा तो ये भी एच प्लस की सांद्रता क्या करेगा बढ़ाएगा, ठीक है यानी ये वाला जो टर्म है ये वाला वैल्यू बढ़ेगा जो कि ई नोट सेल में क्या करेगा प्लस होगा तो आखिरकार ई ई सेल का वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा। एक आपने देखा होगा कि ई सेल का वैल्यू क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, फिर बोल रहे हैं अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी तो आप एच प्लस इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए यानी वापस जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे आगे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अगर आप इधर कुछ बढ़ा देते हैं तो उसे साम्य अवस्था लाने के लिए वो पीछे की तरफ जाती है। चलिए एक कंसेप्ट और देखिए कि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी कंसेप्ट पर करवाऊंगा आपको, एक ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है ई सेल ग्राफ यहां क्या था क्यू तो अपने को यहां तो ले लेता हूं मैं ई सेल यानी वाई में और यहां ले लेता हूं मैं लॉग 10 बेस में क्यू, इनमें मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो ये हो गया वाई और ये वाला क्रम हो गया एक्स, तो आपने देखा होगा एम एक्स माइनस सी क्या हो गया वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, क्यों देखो ये जो दिख रहा है आपको सॉरी एम एक्स और ये वाला क्या है पॉजिटिव है तो अपन प्लस सी कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है फिर यहाँ क्या है नेगेटिव है, यहाँ क्या है नेगेटिव है तो यहाँ में एक्स है वो नेगेटिव मान लेता हूँ ऊपर, ठीक है वाई पे क्या है ई नोट सेल ये ई नोट सेल आ गया, ठीक है फिर आप देखना एक्स क्या चीज है अपने लिए ये वाला अपने पास एक्स है तो ये तो आ गया एक्स यानी इसके साथ जो एम आएगी वो क्या है डाढ़ है, एम क्या आएगी डाढ़ है ये आप नेगेटिव छोड़ दो बात के लिए, ठीक है छोड़ दो, ठीक है एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है तो एम की ये डाल आ गई और ये जो सी प्लस है वो ये बच गया यानी सी प्लस क्या बता रहा आपको ई नोट सेल, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ यहाँ तक कोई है ई नोट सेल यानी ये जो आपको दिख रहा है ये आ गया ई नोट सेल, ठीक है फिर आपको बता रहे कि एम एक्स एक्स पे क्या है इस पे लॉग क्यू फिर उसके साथ में जो होता है वो ढाल होता है तो ये क्या करता है y के समानुपाती है, मान लीजिए ये ढाल है m, ठीक है तो क्या करेगी y समानुपाती x का ग्राफ बन रहा है यहाँ यानी कि log q को आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ रहा है यानी मैं ये बोलूँ कि ये जो ढाल है वो क्या आएगी पॉजिटिव
लेकिन आगे जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि ये डायल कुछ इस तरह से जाएगी, और ये डायल का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 0.0591 डिवाइड बाई एन, याद आएगी एन। ठीक है, थैंक्स गाइस, इस पे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखिए, या आपको ई नोट से दिखा है पी सेल है या लॉग 10 बेस क्यूब है, ग्राफ दिया गया है आपको, ओ ए दिया गया है 0.1.1 ई सेल का वैल्यू दिया गया है और पूछ रहा है ये, तो आपको ये पता है कि जो ई सेल है वो बराबर होता है ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग 10 बेस में क्यू। ठीक है, क्यू क्या चीज है, यहां से पहले तो आप देख लीजिए कि आपको वैल्यू क्या क्या दिया गया है, ई सेल है वो दिया गया 1.1591, ठीक है, ये ओ ए, अभी आपको ग्राफ में मैंने बताया था ये क्या आया था ई नोट सेल, यानी कि ओ ए आपको क्या ले रहा है ई नोट सेल जो कि 1.1 है, माइनस 1.1591 डिवाइड माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन यहाँ से चार्ज नंबर पास कितना है जीरो, यहाँ प्लस टू, अंतर कितने का टू का नंबर भी एक, तो आ गया टू, तो यहाँ आ गया टू, फिर याद रखिए लॉग 10 बेस में क्यू, क्यू क्या ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये हो गया प्रोडक्ट बटा ये 10, यानी कि जेड एन प्लस टू डिवाइड बाई सी यू प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1.1 को आप इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0591, ठीक है, बराबर माइनस के, फिर आएगा 0. ये वाली टर्म आएगी यहाँ से देख लेना, ठीक है, फिर आप देखो ये वाला वैल्यू यहाँ से कट कर दोगे, ये माइनस के टू है, माइनस का इधर होगा, ठीक है, अच्छा 1.1 उधर जाएगा माइनस का, तो ये कर ही लेते हैं, क्या हो गया 1.1591 बराबर 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई टू लॉग 10 बेस में जेड एन प्लस टू डिवाइड बाई सी यू प्लस टू। अपने को यह बताना है ना, ये 1.1 आप इधर ले जाइए, कितना बचा 0.0591, ठीक है, बराबर माइनस के 0.0591 डिवाइड बाई टू, और ये हो गया लॉग 10 बेस में ये वाला, तो यहां से आप ये कैंसिल कर दोगे, ठीक है, कर दिया। अब आप देखो कितने बचे, ये माइनस के टू है इधर जाने पे, प्लस के टू, किसके हो गए प्लस के, माइनस के 1/2 मान लीजिए, ठीक है, ये वाला ये दो किधर जाएंगे इधर, ठीक है, यानी टू के बराबर में ये लॉग वाली ये वैल्यू आ जाएगी, जब आप ये आ जाएगा लॉग 10 बेस में जेड एन प्लस टू डिवाइड बाई सी यू प्लस टू, ठीक है, ये आ गया माइनस के टू। जब आप इसके, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, आप इधर लगा दो या इधर लगा देने की बात है, जब आप यहाँ लॉग के टर्म है आपकी ये टर्म जेड एन प्लस टू की, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तब आपका जो जेड एन प्लस टू डिवाइड बाई सी यू प्लस टू आएगा वो आएगा 10 की पावर माइनस का टू। ठीक है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखिए, आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में तब मिलते हैं अपन। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी, ये जा रही मान लो सी प्लस डी में, ठीक है, फिर आपको इसका जो के दिया गया है वो है मान लीजिए टू है, ठीक है, और जो ई नोट सेल है, ई सेल है वो आपको मान लीजिए एक्स दिया है, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर इसी रिएक्शन को, ठीक है, सी प्लस डी टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, के क्या होगा और ई नोट सेल है इसका वैल्यू क्या होगा, तो के क्या है, एक आपको याद रखना पड़ेगा योग गुणा पावर, ठीक है, वो योग करे
तो आपको गुणा करना है, वो गुणा करे तो आपको पावर में लगाना है। तो यहां से आप यहां देखना, यहां एक था, यहां इसको क्या किया, इसने दो से गुणा किया है, तो इसका जो के कितना आएगा, पहले वाले का जो के है उससे उसने क्या किया, गुणा किया, तो अपन क्या करेंगे, गुणा से उसको पावर में लगाएंगे, यानी वो टू है इसको पावर में लगा देंगे। के का जो वैल्यू उसने दिया है वो टू है, टू इंटू टू इंटू यानी फोर हो जाएगा। ई सेल का मान एक्स है तो यहाँ कितना होगा, तो ध्यान रखना ये कोफिशिएंट चाहे कुछ भी कर दे, किसी से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी कर दे, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। थैंक्स गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।